मिलकर पूछना है मुझे ये सब क्यों किया उसने। जाने दो मुझे। रुक जाओ, जाने दो नफीस, ये उसका हक है। मुझे डर है कि कहीं वो उसके साथ बुरा ना करते। वो सिर्फ तुम्हें चाहता है नफीस, उसका मकसद तुम्हें तकलीफ देना है, उसका बराक से कुछ लेना देना नहीं। ये सबके लिए बहुत मुश्किल होगा, ईद के लिए, जेलान के लिए। जेलान? उसका क्या कसूर है अस्मा? मैं उसे कैसे बताऊंगी? ईद, ईद को कैसे बताऊंगी? नफीस, मैंने जिलान के वालिद से बात कर ली है, वो कल उसे लेने आ रहे हैं। भाई क्या हुआ है? मेरा दिमाग बहुत खराब है। ताहिर नहीं आया क्या? नहीं, ताहिर भाई नहीं आए, लेकिन हुआ क्या है? पहले आप चले गए, फिर ताहिर भाई आए, आपका पूछा, फिर वो भी चले गए। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर ये सब चल क्या रहा है। मैं भी परेशान हूँ फातेह, बहुत परेशान हूँ। मेरे आगे से हट जाओ और काम पे लगो। ठीक है भाई, चिल्ला क्यों रहे? फातेह इधर आओ मेरे पास, जल्दी इधर आओ। अरे घबराओ नहीं, इधर आओ, मेरे पास आओ। मेरे बच्चे, मुझे माफ कर देना। चलो काम पे जाओ, काम पे जाओ, शाबाश, काम पे जाओ। चलो बताओ मुझे, क्या फैसला किया? भाई मैं हथियार डाल दूंगा। नहीं, और कोई रास्ता नहीं है, अपने किए की बच्चों चुकाऊंगा मैं। ताहिर ये क्या बोल रहे हो? भाई मेरी बात सुकून से सुने। मैं पुरसुकून हो जाऊं? पुरसुकून हो जाऊं मैं? कैसे पुरसुकून हो जाऊं? अपने भाई को दुश्मन की जान लेने दूं और उसे जिंदा दफन करने दूं और फिर पुरसुकून हो जाऊं? हाँ मैं हूँ। तुमने सोचा है प्रोसिक्यूटर और जज क्या कहेंगे? हाँ, बहुत नेक काम किया ताहिर, तुमने उस विदात को मार दिया। अल्लाह तुमसे राजी हो क्या? वो ये कहेंगे, वो इसको एक आम आदमी की तरह देखेंगे और तुम्हें कत्ल की सजा दी जाएगी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ मुझे उम्र कैद सुना दी जाएगी। अच्छा तो तुम जानते हो? इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। ये सब कुछ तुम पर है, तुम्हारा रास्ता, तुम्हारा फैसला। मुस्तफा भाई देखे, मैं थाने के गेट से लौट के वापस यहाँ आया हूँ ताकि मेरे बाद किसी को किसी भी किस्म की तकलीफ या नुकसान ना पहुँचे। मुझे बस एक दिन चाहिए भाई, अब आप बताए क्या आप मेरी मदद करेंगे? मेरी बात सुकून से सुनेंगे आप? सुनूंगा। मेरे हथियार डालने के बाद नफीस और ईद को आप अपने घर में रखेंगे क्योंकि अम्मी उनको आराम से नहीं रहने देंगी। आपका हाथ और साया उन पर होना चाहिए, पहले अल्लाह और उसके बाद आपके साथ। जब तक आप इसे छुपा सकते हैं छुपाइएगा, किसी को कुछ मत बताइएगा। भाभी हामला है भाई, उन्हें अफसुर्दा मत कीजिएगा। अम्मी का ख्याल रखिएगा, बस उन्हें कुछ मत होने दीजिएगा। जब मैं हथियार डालूंगा नफीस को मैं खुद बता दूंगा, जब तक हो सके इस बात को छुपाइएगा। अगर कोई पूछे तो कह दीजिएगा कि मैं इस्तांबुल गया हूँ मशीन के पुर्जे लेने। आप इसकी तैयारी कर लीजिए भाई। यार ये तुम कैसी बातें कर रहे हो ताहिर? भाई आप कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। तुम चाहते हो मैं ये करूं? मुस्तफा भाई मैंने जो किया है उसकी कीमत चुकाऊंगा मैं। आपने ही मुझसे कहा था ना कि कुछ भी हो जाए अपने प्यार का रास्ता बनाना। अब मैं इस रास्ते को रोशन करने के लिए खुद को जलाना चाहता हूँ भाई, और मैं अपने फैसले से खुश हूं। ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, पर इससे हमारी जान को तकलीफ क्यों पहुंचे? भाई आप मुझे बताएं कि आप विदात के सर पर गोली मारकर उसकी जान लेने वाले थे ना? क्या आप सिर्फ भाभी का इंतकाम लेना चाहते थे? क्या आपका मकसद नफीस और मुझे सूरत हाल से बचाने का नहीं था? जानता हूं आप हथियार नहीं डालना चाहते थे, लेकिन सब कुछ जाहिर होने के बाद आप अंदर जा सकते थे भाई। क्या आपने इन सब बातों के बारे में नहीं सोचा था? समझ नहीं आता क्या करूं, तुम्हें गले लगाऊं या तुम्हारा सर फाड़ू ताहिर? भाई
मुझे सब कुछ कबूल है, आपका हुक्म मेरे सर आंखों पर है। किससे मिलना है? दरवाजा खोलो। आपको मिलना किससे है? विदात से मिलना है, दरवाजा खोलो। वो घर पे नहीं है। मैंने तुमसे कहा ये दरवाजा खोलो। जाओ यहाँ से। उससे कह देना विदात आई थी और वो दोबारा आएगी और आकर उससे अपना हिसाब लेगी। कह देना अपने मालिक से, सुना तुमने? सो भाई आजकल बड़े अजीब बर्ताव कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखते हैं क्या है। लफंगो तुम दोनों कहाँ थे? भाई सब खैरियत है? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसे हो? हाँ मैं बेहतर रहूंगा अगर तुम दोनों मेरा थोड़ा सा बोझ बांट लो और इधर उधर ना घूमो, समझे? मैं बता रहा हूँ कि ये हमारी रोजी रोटी है। देखते हैं कैप्टन कमाल को कुछ याद तो नहीं, आदमी कल रेत पर जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कि हम गोली खाते हैं और बेचते हैं? चलो बेटा चलो, जाओ अपने अपने काम निपटाओ। चलो ठीक है भाई, ठीक है हम चलते हैं। चलो चलो चलते हैं। मेरी नजर से बच नहीं सकते तुम। ताहिर बेटा कोई और रास्ता नहीं है क्या? कोई और हल नहीं निकल सकता? जो होना था हो गया, मरने वाला मर गया, कोई रास्ता नहीं। लेकिन आप मजबूती से खड़े रहे ताकि मुझे यहां की फिक्र ना रहे। हाँ ये सब बहुत आसान है ना। जैसे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिक्रत साहब रेत के खरीदार हैं, हमसे रेत खरीदते हैं। मेरा भाई ताहिर। मिलकर खुशी हुई। शुक्रिया। इस वक्त आपके आने से खुशी हुई। क्या मैं गलत वक्त पर आ गया? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आपके भाई से कारोबार की बात करने वाले थे। जी जरूर, आप लोग कीजिए बात। कहाँ जा रहे हो? मैं नफीस के पास जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। अल्लाह हाफिज। वो एक बहादुर नौजवान है। ऐसा ही है, इसे पागल ताहिर कहते हैं। ये मेरे मरहूम चचा से बहुत मिलता जुलता है, बिल्कुल पागल है। यानी अम्मी ऐसा कहती हैं। ओह मैं माफी चाहता हूँ आपको ऐसे खड़ा रखा। आए अंदर चले। यूसुफ दो चाय भेजो बेटा। हेलो नफीस, मैंने अभी देखा कि तुम्हारी कॉल आई हुई थी। ताहिर, जेलान मेरी बेटी नहीं है। डीएनए रिपोर्ट सामने आ गई। अस्मा ने उसके वालिद को ढूंढ लिया। वो कल आ रहे हैं। तुम कहाँ हो? मैं ऑफिस में हूँ। जल्दी से मेरे पास आ जाओ, मुझे इस वक्त तुम्हारी बहुत जरूरत है। ताहिर आ जाओ। ठीक है मैं बस अभी आता हूं, संभालो खुद को। इधर आओ, दरवाजा खोलो। तुम लोगों से बात कर रही हूं मैं, दरवाजा खोलो। कैसे आराम से टहलता हुआ आ रहा है, जल्दी करो। नजर नजर साहिबा घर पे नहीं है। क्या मतलब है? दरवाजा खोलो, मैं उसका इंतजार करूंगी। माफ कीजिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? नजर कॉल नहीं उठा रही, विदात कॉल नहीं उठा रहा, मेरी बेटी कहाँ है? मुझे नहीं पता। देखो मुझे गुस्सा नहीं दिलाओ, दरवाजा खोलो जल्दी। कहा ना मैं नहीं खोल सकता।
अच्छा ठीक है, मैं अभी उसके बाप को बुलाती हूँ, फिर देखती हूँ कि कैसे तुम लोग ये दरवाजा नहीं खोलते, और अगर जरूरत पड़ी तो पुलिस को भी साथ लेकर आऊंगी मैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरी बेटी से मिलना है, दरवाजा खोलो। हम म्यूनिसिपैलिटी के साथ बातचीत कर रहे हैं, सड़कों की तामीर, खेलों की सहूलियत एक बड़ा काम है। वो लोग सड़कों की तामीर से देख लेंगे कि हमारा काम सही है या गलत। मुस्तफा साहब, हाँ, लगता है आपको कोई परेशानी है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो तो मैं बस ऐसे ही, मैं माफी चाहता हूँ, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, वो दो नौजवान जो मैं बाहर खड़े देख रहा हूँ, वो क्या वो दोनों आपके छोटे भाई हैं? हाँ, यंगाज। यंगाज मतलब? हाँ, वो हम घर में जरा प्यार से बुलाते हैं, फातेह और मुराद नाम है। आप सबसे बड़े हैं, है ना? हाँ, ऐसा ही है। इनकी सारी जिम्मेदारी आप पर है, बिल्कुल एक बाप की तरह, है ना? ठीक कहा आपने, जितना मुझसे हो सकता है मैं करता हूं। अच्छा, तो आप क्या कह रहे थे, खेलों की सहूलत? आप बहुत अजीम आदमी हैं, फिर बात करेंगे इस पे। काम कोई भी हो, रकम कितनी भी लगे, हम काम जरूर करेंगे। आप मेरे साथ, मैं आपके साथ, मैं इसी तरह काम करता हूं। मैं इस तरह काम नहीं करता। पैसा एक तरफ, सामान एक तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, चलें फिर मैं उसूली तौर पर मेयरों के साथ मुआयदा करता हूँ। क्या हम बाद में आकर काम ख़त्म करें? जैसा कि आपने कहा, उसी के हिसाब से। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं, आप परेशान ना हो, मैं दरवाज़ा तलाश कर सकता हूँ और रास्ता भी। वैसे जो भी आपको परेशान कर रहा है उसे ठीक कर देंगे। चलता हूँ। अल्लाह के हवाले। अभी तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? बहुत शर्म की बात है मुस्तफा, बहुत शर्म की बात। चलो गाड़ी चलाओ। बराक, क्या हुआ? उसके आदमियों ने दरवाजा नहीं खोला, उन्होंने कहा वो घर पर नहीं है। हो सकता है वो मुझसे मिलना नहीं चाहता हो, मुझे नहीं मालूम। बराक, तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ, लेकिन मैंने जिलान के वालिद से बात की है, मेरा मतलब है फोन पर। वो सालों से अपनी बेटी की तलाश में थे, वो जिलान को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कागज में क्या लिखा है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुम्हारी बहन है तो हमेशा बहन रहेगी। बड़ी बहन की तरह तुम भी उसे खुश देखना चाहती हो ना, उसकी खुशी के लिए उसे उसके वालदैन से मिलवाना होगा। बराक, पहले की तरह आज भी वो तुम्हारी बहन है, हम सब उसे तुम्हारी बहन मानते हैं। तुम हमें कहोगी कि खामोश हो जाए तो हम खामोश हो जाएंगे, जेलान को कुछ नहीं बताएंगे। मगर जब जेलान बड़ी हो जाएगी तो तब उसे तुम क्या बताओगी? ये कहोगी कि तुम्हारे बाबा कोई और है और मैं तुम्हारी सगी बहन नहीं हूँ।
तुम्हें जिलान को बताना होगा। जाओ उसे लेकर आओ। अस्मा के ऑफिस चलकर बैठते हैं, वहां आराम से बात करेंगे। घर पर सानिया खाला बात करने नहीं देंगी। ले आओ जिलान को, मैं और अस्मा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आसिया साहिबा, क्या बताना पसंद करेंगी? अकेले कहाँ जा रही हैं आप? आपकी नजरें तो बस हर वक्त मुझ पे ही लगी रहती हैं। बाजार जा रही हूँ मैं। वैसे भी इन कपड़ों में मैं कहाँ जा सकती हूँ सिवाय बाजार जाने के, और कहाँ? सच सच बता दो, कहाँ जा रही हो तुम आसिया? वो देखो तो बता रही हूँ, फिर भी यकीन नहीं आ रहा इन्हें तो। जाहिर है तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं मुझे। कसम से मैं हार गई आपसे। बड़ा क्या हुआ है तुम्हें? इस लड़की के साथ जरूर कोई मसला है, और अस्मा और नफीस वो मसला जानती हैं, लेकिन मैं जल्द जान जाऊंगी कि चल क्या रहा है। वाह, आप जान जाएंगी, क्या बात है आपकी। चले फिर, आप अपनी जासूसी जारी रखें, मैं जा रही हूँ। इस हालत में तुम बाजार जा रही हो, अगर मुस्तफा को पता चल गया तो क्या कहेगा वो? फिर खुद ही जवाब देना उसे। और इस हाल में चादरें तय करवा लो, कपड़े धुलवा लो, इस्त्री करवा लो, खिड़कियाँ साफ करवा लो, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अब एक दो घंटे के लिए मुझे सुकून का सांस लेने दीजिए। बदतमीज कहीं की। तुम्हें पता है वो हमारे महमूद कॉफी हाउस वाले, उनकी बेटी का एक आशिक है, उसका नाम इब्राहिम है, और पता है आर्मी में है वो, बहुत बहादुर है। वो हर हफ्ते इंटरनेट कैफे में जाती है ताकि उससे मिल सके, लेकिन तुम्हें तो पता है आर्मी वाले कितने बिजी होते हैं, वो उसको बहुत कम टाइम देता है, इसलिए वो बिगड़ने लगी है। उसने अपने बॉयफ्रेंड को भी बोल दिया कि अब मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही। एक आर्मी के बंदे को कोई ऐसा बोल सकता है? अगर वो आया और उसने उसे गोली मार दी तो फिर क्या होगा? तुम सुन रही हो ना मेरी बात? नहीं सुन रही। अरे तुर्कन, तुम्हारा रंग तो उड़ गया है, नजर को कुछ हुआ है क्या? नहीं, उसे नहीं देख सकी मैं। मेरी नजर बहुत प्यारी लड़की है, अल्लाह उसे हमेशा खुश रखे। मेरी यही दुआ है कि वो हमेशा खुश रहे। वो कहां ताहिर के भाई के चक्कर में फंस रही थी, अभी तो उसके पास एक अमीर लड़का है, नजर बहुत ही होशियार लड़की है। अब देखना, नजर बहुत प्यारा बच्चा लेकर आएगी इंशाल्लाह, और आप उससे बहुत खुश होंगी इंशाल्लाह। नजिया, मेरा एक काम करोगी तुम? हाँ, अगर बुरा ना मानो तो थोड़ी देर यहीं रुक जाओगी, मैं जरा जमील के पास से होकर आती हूँ। जब तक मरजान का ख्याल रखना होगा तुम्हें। अरे ये क्या बात हुई, ये भी कोई पूछने की बात है? मुझे कोई मसला नहीं है, मैं और मरजान यहाँ बैठकर बहुत सारी बातें करेंगे, है ना मरजान? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैंने सोचा था यहाँ आकर खुद चाय बनाऊंगी। अच्छा किया, मैं बस थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम जाओ जाओ। मरजान, क्या तुम चाय पीना पसंद करोगी? मैं लेके आती हूं। ठीक है। नहीं मिल सकी उससे। पता नहीं वो किस हाल में है। नफीस ने जो कुछ भी उस घर में झेला है, मैंने सुनकर भी यकीन नहीं किया। नजर के साथ भी अगर उसने वही सब किया तो ये सोचकर ही खौफ आ रहा है। क्या इसीलिए मुझे मिलने नहीं दे रहे? मत रो बेटी, मत रो। मैं भी तुम्हारे बाबा के पास जाती हूँ और उन्हें जाकर सब कुछ बताती हूँ। जरूरत पड़ी तो पुलिस को भी वहां लेकर जाऊंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी बेटी से मिलकर रहूंगी मैं।
मेरी तरफ देखो, अब तुम अच्छे तरीके से मेरे साथ चलोगी। पानी पी लो। क्या तुम वाकई खाना नहीं खाओगी? मुझे अफसोस है मगर मैं मजबूर हूं। नजर के बारे में सोच रहे हो ना? क्या मैं कुछ और नहीं सोच सकता क्या? उसका मुंह कुछ और कहता है और आंखें कुछ और कहती हैं, जैसे कोई छोटी बच्ची हो। मैं तो कहता हूं कि विदात के घर पर छापा मारते हैं और नजर को अपने साथ ले आता हूं। नहीं, ऐसा करने का बिल्कुल भी मत सोचना। विदात ने उससे शादी की है, अपनी खुशी से रह रही है वो उसके साथ। विदात ने अगवा नहीं किया है उसे। मालूम है मुझे, जानता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है फातेह। कहीं नजर को कुछ हो ना जाए या उसे कोई चोट ना पहुंचे। मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं। मुराद, समझ नहीं आ रहा क्या कहूं, बस दुआ कर सकता हूं। भाई, हाँ, हमने चेक किया है। क्या चेक किया है? आपने कहा था ना कि जहाज कल समंदर में जाएगा, तो अच्छी तरह से उसे चेक कर लो। हाँ हाँ, अच्छा किया तुमने। कहाँ जा रहे भाई? क्या कह रही है? पूछ रही है मैं क्यों रो रही हूं? नफीस, हम लोग बाहर चलते हैं ताकि ये आराम से बात कर सके। ठीक है। बराक, हम लोग साथ वाले कैफे में हैं, ठीक है? एहसास कितना अजीब है ना। एक तरफ मैं बहुत खुश हूँ कि उसके वालिद आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिलान का रद्द अमल क्या होगा? वो ये सब कैसे बर्दाश्त करेगी? जरा सोचो, एक आदमी आता है जिसे आप जानते तक नहीं है, वो हाथ थामता है और कहे मैं तुम्हारा बाप हूँ, और अपने साथ ऐसी जगह, ऐसे शहर ले जाए जहां आप किसी को भी नहीं जानते। नहीं जानती क्या सही है क्या गलत, शायद मैंने कुछ बुरा किया है। नफीस, तुमने कुछ भी बुरा नहीं किया, तुम्हें इस वक्त मजबूत रहना होगा। अस्मा, दूसरों को सच्चाई बताना और क्या करना है ये कहना आसान है, लेकिन खुद उस पर अमल करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरों को कायल करना आसान है, लेकिन खुद को नहीं।
मेरे नजदीक खुद को समझाना सबसे मुश्किल काम है। मैं नफीस के लिए क्या कर सकता हूं इसकी कोई भी हद नहीं है, लेकिन तुम्हारी हदें बंधी हुई हैं और इसी वजह से तुम हार जाओगे ताहिर, और मैं जीतूंगा। मैं कभी भी हार नहीं मानता। अब तुम खड़े होकर ये सोच रहे होगे कि अगर मैं गोली मारता हूं तो क्या विदात इस सब के बावजूद भी बच जाएगा? अपने जहन को मत उलझाओ, ये पहले भी हो चुका है। ताहिर, ताहिर, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूं। लेकिन हम ईद को कैसे बताएंगे? वो बहुत उदास होगा, लेकिन वो बच्चा है, आदी हो जाएगा इंशाल्लाह। ताहिर, क्या कुछ हुआ है? तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। ईद के लिए इसे कबूल करना आसान नहीं होगा, हमें उसे बिठाकर बात करना होगी। पार्टनर, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आओ बैठो, चाय पीते हैं। बैठो। खुशामदीद। जिलान का मामला हल हो गया है। क्या वाकई? लेकिन कैसे हुआ? हाँ, खैर होगी इंशाल्लाह। जी कहिए सर। क्या? हम बस अभी आ रहे हैं, 15 मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे। बहुत शुक्रिया। क्या हुआ नफीस? ईद के स्कूल में लड़ाई हो गई है, उसकी टीचर की कॉल थी। क्या, ईद की लड़ाई? चलो चलकर देखते हैं क्या बात हुई है। बराक और जिलान तुम्हारे हवाले, मैं कॉल करती हूँ। ठीक है, और मुझे बताना मत भूलना कि क्यों लड़ाई हुई है ईद की। ठीक है, बता दूंगी। क्या हमें बैठना चाहिए? अकेले बैठना मुनासिब नहीं है। सही कह रही हो तुम, चलो उठते हैं, आ जाओ चले। वैसे जिलान और बराक है कहाँ? मेरे ऑफिस में है, उन दोनों को बात करने के लिए अकेला छोड़ दिया था। सही कह रही हो तुम, चलो अब चलकर देखते हैं वहाँ क्या सूरत हाल है। ओह, तो घर आने की फुर्सत मिल ही गई। अम्मी, ताहिर आ गया क्या? मुझे नहीं मालूम। अच्छा, और नफीस कहाँ है? मुझे क्या पता। अस्मा आई, बराक रोने लगी और फिर तीनों बाहर चली गई। जरूर इन तीनों में कोई खिचड़ी पक रही है। अल्लाह अल्लाह। और आसिया, वो कहाँ है? आसिया साहिबा बाजार गई हैं, उन्हें कपड़े खरीदने थे, मैंने तो जाने से मना भी किया था, लेकिन मेरी इस घर में आखिर सुनता ही कौन है? अगर मैं यहाँ अकेले मर भी जाऊँ तब भी किसी को पता नहीं चलेगा। अम्मी फिर से शुरू मत करें, जरा रुक जाएं, अल्लाह का वास्ता रुक जाएं। अरे मुस्तफा, आप इस वक्त घर में क्या कर रहे हैं? जब बाजार की बात हो तो ये ठीक हो जाती है, और काम के लिए मेरी तबीयत ठीक नहीं है सानिया साहिबा। अम्मी ठीक है, अब बस भी कर देना। अल्लाह करे मैं जल्दी मर जाऊं ताकि तुम लोगों की जान छुट जाए। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। आसिया। हाँ मुस्तफा, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बस मैं थोड़ी देर पहले ही ऑफिस से आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, खुश आमदीद। शुक्रिया बहन। मैं जरा ये रखा हूँ, फिर आपके लिए कॉफी बना के लाती हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। नहीं, मैं बनाऊंगी। हाँ हाँ बनाओ, चलो आओ हम यहाँ बैठते हैं। तुम्हें मालूम है मुझे ऑफिस क्यों बुलाया था? अरे मुझे कैसे मालूम हो सकता है? ट्रांसफर के लिए। मेरे यहाँ से जाने में बस थोड़ा ही वक्त बाकी है। अब इसका क्या मतलब है? जिस दिन तुम्हें होटल में पकड़ा था, मैं विदात को दबोचने वाला था। हो सकता है इसमें विदात का हाथ हो, रास्ते से हटाना चाहता है मुझे। जानता है ड्यूटी पर रहा तो छोड़ूंगा नहीं। जरा मेरी तरफ देखो, मैं उसे कॉल कर रहा हूं, रिसीव नहीं कर रहा।
पुलिस को उसकी गाड़ी बाजार में रेस्टोरेंट के सामने मिली है। रेस्टोरेंट से पता चला कि विदात वहां आया था। तुम भी वहां गए थे क्या? सच सच बताओ मुझे, तुमने कोई गड़बड़ तो नहीं की ना? अरे मैंने सब कुछ बताया तो है तुमको यार। उसने बुलाया जरूर था, लेकिन ना ही कोई आया और ना कोई गया। मैं भी यही सोच रहा था। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। कॉफी तो पीते जाओ। मुझे कुछ जरूरी काम है, अभी जाना होगा, बाद में मिलूंगा तुमसे। चलो खुदा हाफिज। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। चलो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। सुबह से मुझे कुछ अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिल में कुछ हो रहा है। सांस तक नहीं ली जा रही। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे ना ताहिर? तुम साथ हो तो मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी। हमेशा मेरे साथ रहना। मैं जब अपना हाथ बढ़ाऊं तो उसे थाम लेना। जब भी मैं गिरने लगूं तो तुम मेरा सहारा बनना ताहिर। मैं सोच रहा हूं कि वो क्यों लड़ा होगा। मैं भी हैरान हूं। ये तो तुम भी जानते हो कि यीत कितना अच्छा बच्चा है। बरसों विदात के तशद्दुद का शिकार रहा। ऊंची आवाज पर भी भाग जाता है वो। इतना परेशान मत हो यार, बच्चे तो आपस में लड़ते ही हैं। आज जिसके साथ लड़ाई हुई है कल उसी के साथ खेल रहा होगा। ताहिर कहो, क्या मैंने जो किया है वो यीत के लिए गलत किया है? नफीस, देखो कभी कभार इंसान अपने किए गए फैसलों पर परेशान हो जाता है। अक्सर कुछ फैसले दुरुस्त होने के बावजूद भी तकलीफ देह होते हैं। इसका यह मतलब नहीं होता कि हमने गलत किया है। अक्सर हमारे पास कोई और रास्ता नहीं होता, बस हमें अपने फैसलों पर राजी रहना चाहिए। खैर तो है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिस आदमी को गुस्से में घर से बाहर निकाला, 2 दिन के बाद बेटी को उसी के साथ भेज दिया, और अब देख रहे हो हमारे साथ क्या हो रहा है? हाँ, ना मैं नजर को देख सकती हूँ, ना उसकी आवाज सुन सकती हूँ। मैं जब वहाँ जाती हूँ कहते हैं बाजार गई हुई है। बस अब बहुत हो गया, मुझे नजर से मिलना है चाहे कुछ भी हो जाए। अपनी आवाज नीचे रखो, मुझे परेशान मत करो। जमील, तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हें कितना परेशान करूंगी। अब जब तक मैं अपनी बेटी की आवाज सुन ना लूं, उसको देख ना लूं, मैं सुकून से नहीं बैठूंगी, समझे तुम? फोन करो। मैंने कई बार कॉल की है लेकिन कोई फोन उठाता नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, दिल बहुत घबरा रहा है, फिक्र हो रही है मुझे। अपनी बेटी को देखना है। नहीं उठा रहा? नहीं, नहीं उठाया। तुम घर जाओ। क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही जमील? हाँ, मैं क्या कह रही हूँ? देखो, वो आदमी अपनी पहली बीवी नफीस को इतना मारता था कि वो शहर छोड़कर यहाँ आ गई। सुना तुमने? अगर ये सब सच हुआ तो मेरी बेटी के साथ ऐसा ना किया हो। तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। मैंने कहा ना तुमसे, ऐसा कुछ नहीं होगा। जमील, तुम बस मुझे मेरी बेटी से मिलवा दो। चलो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ उससे बात करने की। ठीक है, इंतजार करूंगी। क्या हो गया है मेरे शेर? क्या आज खामोशी रहोगे तुम? तुम हमें ये नहीं बताओगे कि क्या हुआ है? तुमने अपने दोस्त को क्यों मारा? वो मेरा दोस्त नहीं है ताहिर भाई। लेकिन वो आपके साथ आपके क्लास में पढ़ता है। हाँ, लेकिन वो मेरा दोस्त नहीं है। क्या हुआ था? उन्होंने एक प्लेन बनाया और उसके जैसा मैंने भी एक प्लेन बनाया। वो नहीं उड़ा और वो लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे। फिर मैंने उसको धक्का दिया लेकिन मारा नहीं और वो गिर गया। तो बस इतनी सी बात थी?
तुम्हारी पतंग नहीं उड़ी इसलिए तुमने अपने दोस्त को। अम्मी वो मेरा दोस्त नहीं है। अच्छा ठीक है बस करो आप। लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जब तुमने उसे धक्का दिया अगर उसे कुछ हो जाता तो, अगर उसका सर जमीन पर लग जाता उसे कुछ भी हो सकता था। ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम अपने दोस्त के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। नफीस बस करो बहुत हुआ बात को मत बढ़ाओ। सुनो तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी और आइंदा तुम किसी से झगड़ा नहीं करोगे समझ गए? लेकिन गलती उसकी है। मैं बात नहीं करूंगी फिर तुमसे। नफीस चलो मेरे साथ आओ। तुम्हें क्या हुआ है? ताहिर मुझे बहुत डर लगता है। इसने परसों विदात को तशद्दुद करते हुए देखा है। कहीं तुम समझ रहे हो ना? मैं बहुत डरती हूँ जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है। पुरसुकून हो जाओ पुरसुकून हो जाओ। तुमने हमारे बेटे की परवरिश बहुत अच्छी की है और वो विदात का नहीं मेरा बेटा है। चलो चले मेरे पास एक आइडिया है। मैं आपको पतंग बनाना सिखाता हूँ। क्या सच में? बिल्कुल हम मिलकर बनाएंगे और एक साथ मिलकर हम दोनों से उड़ाएंगे भी। और वो कब? आज अभी और इसी वक्त। क्या वाकई? हाँ हाँ बिल्कुल। पहले हम लोग घर जाएंगे उसके बाद वहाँ से हम लोग पिकनिक पर जाएंगे। तुम्हें पिकनिक पे जाना पसंद है ना? पिकनिक पर? हाँ हाँ बिल्कुल क्योंकि अच्छी चीजों को डिले नहीं किया जा सकता। ताहिर तुम संजीदा हो। हाँ बोलो अस्मा। बराक ने जेलान को सब बता दिया है। कैसी है वो? मतलब जेलान कैसी हो सकती है? बस हैरान। इन्हें आज रात मेरे पास रहने दो। जैसा ठीक लगे। तुम्हारे साथ रहना बेहतर रहेगा। अस्मा कहो। बहुत शुक्रिया। इसकी जरूरत नहीं मेरा काम है ये। आजो मेरे शेर आजो। तो आज हम लोग साथ में पतंग उड़ाएंगे बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अभी तुम उड़ रहे हो। हेलो ताहिर कहाँ हो तुम? गीत को स्कूल से लेकर घर आ रहे हैं भाई। अच्छा ठीक है आ जाओ। भाई आप तैयार हो जाए हम पिकनिक पर जा रहे हैं। क्या हम कहाँ जाएंगे? पिकनिक पर। पिकनिक कहाँ से आ गई? कौन सी पिकनिक? यार तुमने मुझे क्या पागल करने की कसम खाई है? भाई अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ घर आकर आपसे बात करता हूँ तब तक आप तैयार हो जाए। हेलो क्या करूं मैं इसका? मुस्तफा? हाँ। चेहरा क्यों जर्द हो रहा है? तबीयत तो ठीक है ना आपकी मुस्तफा? ठीक दिखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बात है जिसको मुझसे छुपा रहे हैं आप? काम का कोई मसला है? मुझसे नाराज है कि मैं मार्केट गई थी? मुस्तफा सच में मैंने क्रेडिट कार्ड से ज्यादा खर्चा नहीं किया है। मैं समझ गई हूँ आप मेरी शॉपिंग की वजह से मुझसे नाराज है ना? अरे यार मैं तुम्हारी शॉपिंग की वजह से परेशान नहीं हुआ। मैं किसके लिए कमाता हूँ? अल्लाह अल्लाह। अच्छा तो फिर क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ मैं बस थोड़ा बोर हो रहा था इसलिए ऐसी हालत हो रही है और कुछ नहीं। ओ हाँ हम पिकनिक पर जा रहे हैं। पिकनिक? ताहिर से बात हुई थी वो कह रहा था पिकनिक पे चलते हैं। अभी अचानक पिकनिक कहाँ से आ गई है? मुझे क्या मालूम उस पागल को पता होगा। अगर कोई उसे समझ सकता है तो एक बार मेरे सामने आ जाए बस।